चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा जाहिद मंसूरी के हमरा हैदरी मार्केट नॉर्थ नाजमाबाद का दौरा किया और खरीदारों के दरमियान समाजी फासले को मुमकिन बनाने के लिए किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने रुकन राबता कमेटी एमकेएम पाकिस्तान जाहिद मंसूरी के हमरा हैदरी मार्केट नॉर्थ नाजमाबाद का दौरा किया और महकमा रेस्क्यू की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से मुनक्किदा हिफाजती तरबियती नशिस्त में शिरकत की। कोरोना से हिफाजती तरबियती नशिस्त से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि कराची वालों ने एमकेएम पाकिस्तान को अपने एतमाद के वोट देकर इस बात को साबित किया कि एमकेएम पाकिस्तान ही वो जमात है जो हर दुख दर्द और मुश्किल में अहले कराची के शाना बशाना खड़ी रही है, क्योंकि हम मुंतखब अवामी नुमाइंदे कराची को ओन करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत ने कराची के बल्दियाती इदारों को कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए किसी किस्म की कोई खुसूसी ग्रांट या इमदादी फंड से फराहम नहीं किया। हम अपनी मदद आपके तहत अपने अवाम की जानों की हिफाजत के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आज की तरबियती नशिस्त भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि हर सूरत में अपनी अवाम की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह हमारा इखलाकी फर्ज है कि अवाम और दुकानदारों को कोरोना जैसी मोहलिक वबा से बचाव के तरीके से आगाह करें और उन पर अमल करवाएं। वस्ती की जानिब से महकमा रेस्क्यू की जानिब से बल्दिया ज़िला वस्ती के महकमा ने मुख्तलिफ मार्केट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम आगाही मुहिम का इनेकाद किया, जो पिछले डेढ़ महीने से हम कोविड-19 के हवाले से कर रहे हैं। डिसइंफेक्शन लिक्विड स्प्रे और दीगर चीज़ों का काम कर रहे हैं, साथ में क्योंकि मार्केट खुल गई है किसी हद तक और लोगों को एहतियाती तदाबीर भी करनी है, और सेल्स मैन ख़ासतौर पर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है, तो ना सिर्फ वो कलीदी किरदार अदा कर सकता है सेल्समैन कि लोगों को आगाह करे कि कितना फासला रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, शटर किस तरह डाउन करना है, अब किस तरह करना है, क्योंकि यह एक आलमी वबा है। हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तमाम इदारों का काम है कि कंट्रीब्यूशन करें। आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से आपका ख्याल रखा गया, दुकानदारों का ख्याल रखा गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि अडॉप्ट करने हैं, चाहे वो मास्क पहनने का हो, डिस्टेंसिंग का हो, समाजी फासले बरकरार रखने का हो, या डिसइंफेक्ट करने का मामला हो, उसको भरपूर तरीके से उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि ये जिंदगियों का मामला है। आज हम लोग सुबह से रेहान हाशमी भाई और हम लोग सुबह से मुस्लिम मार्केटों विज़िट के ऊपर थे। जैसा तीन दिन के बाद, आज लॉकडाउन के बाद आज मार्केटें खुली हैं, तो ग्राहकों का बहुत ज़्यादा रश है। अब हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना था कि जो SOPs हमारे और हुकूमत के दरमियान और ताजुर के दरमियान तय पाई थी, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने विज़िट किया, ताकि विज़िट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने मुख्तलिफ जगहों पे मार्केटों में मास्क प्रोवाइड किए, सैनिटाइज़र प्रोवाइड किए, हमने अपना हैंड ग्लव्स प्रोवाइड किए, ताकि और सोशल डिस्टेंसिंग के हमने लोगों को कहा, अवेयरनेस दी कि ख्याल रखें। इस सिलसिले में हमने हैदरी मार्केट में एक कंपेन्स भी चलाई, वहाँ तमाम दुकानदारों को हमने बुलाया, उनको हमने कहा कि एक सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें।